नमस्कार साथियों, जितने भी कैंडिडेट जीडीएस यानी कि पोस्ट ऑफिस की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हैं और जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन सभी को एक चीज का इंतजार है, वो है इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट का। साथ ही साथ उन सबके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा है जिनका भी 90% से नीचे है या 95% से नीचे है, 60%, 70%, 80% है, उन सब के मन में सवाल आ रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा और कौन सा ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा कम कटक इस बार जाएगी, ताकि उसको देख करके आने वाला जो जीडीएस की साइकिल है 2025 जनवरी में, तो उसमें फॉर्म फिल कर सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों सेफ स्कोर से लेकर के जितने भी जो कम स्टेट जहां पे कम कटअप जाने वाली है इस सेकेंड लिस्ट में, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। देखिए, ये जो 44,228 पोस्ट है ना पोस्ट ऑफिस की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया आप सभी को पता है, जिसका एक का भैया 3 सितंबर 24 डीबी का लास्ट था जो कुछ स्टेट में आया था, और अभी एक का 6 सितंबर 2024 लास्ट है। यानी कि ये 6 सितंबर 2024 किनका लास्ट है, जो हिंदी स्टेट जैसे कि यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, ये सभी जोन का आपका 6 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट। अब देखिए, अब आ जाता है कि आखिरकार ये जो सेकेंड लिस्ट है ना वो कब आएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो सेकेंड लिस्ट है ना ये बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये 3 तारीख वाले में जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए उनका नाम आ गया, ठीक है, अब बाकी क्या हुआ, उनका नाम एंट्री हो गया और जो नहीं कराया है उनका जगह खाली रह गया। अब वो खाली जगह में वो एंट्री कर लिया, ठीक है, बाकी सेम वैसे 6 सितंबर 2024 तक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये कैंडिडेट डीवी कराया और ये नहीं किया, तो उनके जगह में फिर जो आगे आने जो बच्चे है ना परसेंट के आधार पे उनका मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब देखिए कि इस मेरिट लिस्ट आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये जो मेरिट लिस्ट है ना इस बार मैं बता दूं सभी जोन का यानी कि सभी सर्कल का एक साथ आपको 15 तारीख से पहले कभी भी देखने को मिल जाएगी, प्राय 10 तारीख तक ही आने की संभावना है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए तब भी 15 सितंबर 2024 से पहले आप सभी को मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट इस जीडीएस भर्ती 2024 का देखने को मिल जाएगी। अब सवाल आता है सभी कैंडिडेट के मन में कि ये 75, 80, 85, 90% वालों का क्या। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं इस बार जो कट ऑफ है ना वो बहुत ही ज्यादा जा रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भैया बहुत ज्यादा रिजेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है, नाम अगर गलती कर दिया, एडिट करेक्शन नहीं किया उस आधार पे भी, कई जने गलत रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं उस आधार पे भी, ऐसा बहुत ज्यादा जाता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को अंत तक देखना है रिजल्ट, लेकिन मैं फिर भी बता दूं जब तक आप लोगों को बता दूं दिसंबर तक, ठीक है, 6 से 7 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें परसेंट ज्यादा कम नहीं होने वाले। अगर सेकेंड लिस्ट की कटअप की बात करें तो प्राय कहीं पे 1% का ही कम होगा, बाकी फर्स्ट लिस्ट में जितना परसेंट आया है ना कटअप में सेम टू सेम आपको सेकेंड लिस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट ना हाई कटअप रहती है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ यानी कि उम्र बड़ा रहता है उसको फर्स्ट प्राथमिकता मिलता है, जिसके वजह से उन लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस अंत तक बने रहिएगा, टोटल 6-7 लिस्ट आने की संभावना है इस बार भी, जब तक ये लास्ट डेट खत्म नहीं हो जाता है ये जीडीएस भर्ती का। अब देखिए आखिरकार ये 75, 80, 85% वालों का कहां पे होगा, तो ऐसे तो आप लोगों को बता दूं ये परसेंट में भी सिलेक्शन हो रहा है। कहां पे हो रहा है, एक तो आपका मणिपुर साइड वहां पे हो रहा है दोस्तों, मेघालय साइड में हो रहा है, एक तो आप मतलब नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और असम तरफ तो हो जाता है दोस्तों, गुजरात तरफ हो जाता है, लेकिन बाकी जितने भी आपको जोन है ना अगर आपका 95% से नीचे है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। महाराष्ट्र की बात करें तो 93, ठीक है, गुजरात में 85 तक चांस है, बाकी जितने भी स्टेट आ जाते हैं उसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ जोन, राजस्थान का कुछ डिवीजन, ये सभी में आप लोगों को बता दूं, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी में आप लोगों को कटअप जो है 100-100 ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका 95% है,
तो आप ये बात आप जान लीजिए कि आपका लास्ट मेरिट लिस्ट तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, घबराइए मत। और अगर 95 से नीचे है तो इतना सोचिए कि अगर मैसेज और ईमेल चेक करते रहिएगा, इतना ज्यादा इस भर्ती के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। आने वाली जैसे कि रेलवे की भर्ती हो गया, ये सब भर्ती में भी तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी इसमें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बता ही दिया, अगर आपका 95% से नीचे है तो भैया आप मुश्किल में हो। ये बात मैं सभी कैटेगरी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए बता रहा हूं। एक चीज और बता दूं, जो पीएच कैंडिडेट है ना, पीएच यानी कि विकलांग कोटा कैंडिडेट, उनका अगर 65 से ऊपर है तो आप लोग सिलेक्शन के पात्र हैं, चांस है आप लोगों का, घबराइए नहीं। बाकी लिस्ट को भी देखते रहिएगा, सेकेंड लिस्ट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से मैं ये बताने वाला हूँ सभी सर्कल का, कि भाई आप घबराइए नहीं, और भी भर्ती आ रही है, उन सभी भर्ती का भी तैयारी करते रहिए। जैसे कि रेलवे का भी एनटीपीसी का नोटिस आ गया है 14 तारीख से आपका ग्रेजुएशन लेवल का, 21 तारीख ही है शायद, उस दिन से आप लोगों का 12th पास लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिल होना है। उसके बाद ग्रुप डी का आएगा, मिनिस्ट्रियल पोस्ट आएगा, जो स्टेनोग्राफर करके रखे हैं उनके लिए शानदार मौका है। और अभी एक 12वीं साइंस वालों के लिए फील्ड वर्कर की वैकेंसी आई है पैरामेडिकल के अंतर्गत, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, आईएमयू के अंतर्गत आई है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आते ही रहती है। आप उन सभी भर्ती में भी ध्यान दीजिए। अगर आपका 90% से कम है तो आप जीडीएस में फॉर्म फिल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए इसके तरफ, क्योंकि आप सभी को पता है भैया कटअप तो बहुत हाई जा रहा है। जब तक आपका मेरिट में नाम आएगा तब तक डेट चला जाएगा, दूसरी वैकेंसी आएगा, फिर उसमें ऐसी होगा, फिर आगे ऐसी होगा, ऐसी होता चला जाएगा, तो घबराना नहीं है। आप लोगों को ये सब में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 90% से जिनका भी नीचे है उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूं, भले ही ये पोस्ट सबसे ज्यादा 44,228 पद क्यों ना हो। इसके बाद आप लोग अगर जीडीएस में मान लीजिए इस बार भर्ती में आप लोगों का नाम नहीं आ पाता है तो आखिरकार कब आएगा, तो बता दूं आप लोगों को, जनवरी में, ठीक है, 2025 में कभी भी आप लोगों का नया भर्ती देखने को मिल जाएगा जीडीएस 2025 का, एक शेड्यूल जनवरी 2025। देखिए दोस्तों, और जीडीएस की जितनी बार भी वैकेंसी आती है ना, हमेशा याद रखिए 30,000 या 25,000 से नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आगे की वैकेंसी का वेट करते रहिए, परसेंट ठीक ठाक है तो, और नहीं तो भैया अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, और हर साल वैकेंसी निकलती है 10th लेवल की, ठीक है। तो एक सिंगल एग्जाम होता है, उसी के आधार पर सिलेक्शन है, तो जरूर इन सभी भर्ती में आप ट्राई करें। जीडीएस जीडीएस करके जीडीएस के चक्कर में ना रहे, और भी वैकेंसी आती है उसमें भी फॉर्म फिल आप लोग करें, बस एक जीडीएस का रट्टा मत लगा रहे हैं दोस्तों। क्या पता उसमें आप फॉर्म फिल के एग्जाम दिलाए, उसमें सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराते ही रहता हूं, लेकिन अलग से और अपडेट देते रहता हूं कि भाई आप लोग एक ही वैकेंसी के अंदर डिपेंड ना रहो, अदर वैकेंसी में भी ट्राई करो, क्योंकि जीडीएस एक ना डिपार्टमेंटल लेवल नौकरी है, ठीक है, कोई परमानेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि लास्ट 60-65 तक आपका रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंटल, जब तक आप प्रमोशन नहीं लोगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम वगैरह दे करके, तब तक आपका सैलरी ऐसी रहेगा। जब आप डिपार्टमेंटल पोस्टमैन या एमटीएस बन गए या ऊपर लेवल तक पहुंच गए, तब कहीं जाकर के आप लोगों का सैलरी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताते आया हूं कि भैया आप लोग जीडीएस के चक्कर में ना रहे, और भी एग्जाम की तैयारी करें, और जीडीएस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया ग्रामीण डाक सेवक की तो अच्छी बात है, नौकरी करें, लेकिन तैयारी करते रहे। और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में सवाल है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा इस जीडीएस भर्ती का, ठीक है। और एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर सेफ स्कोर की कहानी आप लोगों के मन में आती है तो 95% से नीचे वाले कैंडिडेट सेफ नहीं है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी जगह को छोड़ करके, बाकी सभी जगह तो भैया 95 से नीचे नहीं आएगा, और बाकी हरियाणा तरफ तो भैया 100 से नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा तो 99 ही आएगा, ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं उन कैंडिडेट के लिए जो जो फॉर्म फिल करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, उन सभी से निवेदन है आप लोग फॉर्म फिल मत किया करो अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो, क्योंकि देखिए मेरिट में जिनका नाम आ गया स्वाभाविक सी बात है वो सबके सब फॉर्म फिल किए हैं, सबमिट किए हैं, तभी तो आया है नाम।
परसेंट अगर आपको करना ही नहीं है तो फॉर्म फिल क्यों फिल कर रहे हो, क्योंकि 44,228 पोस्ट है, एक बार सभी राज्य का मेरिट निकाल दिया तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट की जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो डायरेक्टली से ज्वाइन। तो ऐसे कैंडिडेट को मेरा यही कहना है कि भाई आप अगर करना ही नहीं है भर्ती में जॉब, जॉब नौकरी करना ही नहीं है तो फॉर्म फिल मत करो, ठीक है, निवेदन है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको जॉब की जरूरत है, उनको करने दो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, बस मेरा यही एक निवेदन आप तक पहुंचाना है। जो जो कैंडिडेट अगर जीडीएस की नौकरी को पसंद नहीं करते हैं या सिलेक्टेड हैं, वो फालतू का फॉर्म फिल ना करें। ज्यादातर क्या है तो है पता है दोस्तों, एससी एसटी में फॉर्म फीस नहीं लेता, पीएच में फॉर्म फीस नहीं लेता, तो इसमें फेक रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं, तो ऐसा भी मत करो आप लोग, ठीक है। जैसे रेलवे ने किया है ना आधार के से ई केवाईसी, वैसे ही अगर जीडीएस करना स्टार्ट कर देना, जैसे कि आधार लिंक, डिजी लॉकर लिंक, तो फिर ये जितना फेक रजिस्ट्रेशन वाला कहानी है सब बंद हो जाएगा। एक बार मैं ट्वीट करेगा इस बारे में, बस आप लोग हमेशा साथ देते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।